हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सूरज प्रसाद एंड आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईटी पटना और मैं करीब 7 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री देखो बच्चों, केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, बट इट इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो। इसलिए कभी भी अगर आपको एक हायर रैंक अचीव करना है तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए। आप किसी भी टॉपर के या जितने भी मतलब लोग आईटी में या नीट क्वालिफाई अच्छे रैंक से करते हैं उनके आप स्कोर चेक करोगे तो किसी का भी केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस डाउन नहीं होता है। केमिस्ट्री इज ऑलवेज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसीलिए केमिस्ट्री को जितना स्कोरिंग हो सकता है उतना बनाइए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, थोड़ा सा रटने वाला होता है, लेकिन बहुत स्कोरिंग होता है। एक बार अगर आपको पता लग गया कि भाई इसके कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं क्वेश्चन बनाने के, तो फिर आपके लिए केमिस्ट्री सबसे आसान है और सबसे स्कोरिंग है, जो कि आपको रैंक दिलाएगा। आज बच्चों हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि उससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस फॉर्मुला बेस्ड ही होते हैं, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो इसीलिए आप आज की क्लास में पेन पेपर लेके बैठ जाओ, अपनी नोटबुक लेके बैठ जाओ और ध्यान से सीखो कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम में। जैसे मैंने बोला, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस जो है नीट में और आईटी जेई दोनों एग्जाम्स में, मेंस में एडवांस में दोनों में पूछे गए हैं और फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोग फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हैं। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम जो पूरा चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, ये चैप्टर ही पूरा फॉर्मुलों से भरा हुआ है। इसमें बहुत ढेर सारे फॉर्मुले, जैसे एक नॉर्मल वीक एसिड वीक बेस के पीएच कैलकुलेशन से लेके अगर मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक चला जाऊं, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस पे चला जाऊं, बफर सॉल्यूशन पे आ जाऊं, फिर आगे इंडिकेटर थ्योरी आ जाती है, मतलब बहुत ढेर सारे इसमें कंसेप्ट्स हैं और हर कंसेप्ट के लिए आपके पास अलग अलग फॉर्मूले भी हैं। तो अगर आपको सही अपना आंसर मार्क करना है, जितने भी ऑप्शन है उसमें से करेक्ट आपको मार्क करना है, तो आपको एकदम यूनिक होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जिस बच्चे ने आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, उस बच्चे के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। और अगर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपकी ऑलमोस्ट स्ट्रांग है, आप ऐसा मान सकते हो। तो इसीलिए आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे ढंग से आपको कवर करना है। आज मैं आपके लिए बफर सॉल्यूशन का टॉपिक, जो कि कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है क्योंकि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, इसमें काफी बच्चे जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को आज उठाया हूं। देखो सॉल्यूशन जितने भी आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम देखोगे, ज्यादातर के पीएच कैलकुलेशन के ऊपर काम चल रहा होगा कि भाई मिक्स कर दिया पीएच निकालो, अलग से सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका पीएच निकालो। तो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको पीएच तो निकालना ही है, लेकिन पीएच कब निकाल पाओगे इसकी जानकारी तभी तुम ले सकते हो जब पहले सॉल्यूशन को तुम पहचानो कि भाई सॉल्यूशन है किस चीज का। जैसे बफर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, अभी मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा कि किसके टाइप्स क्या क्या हैं और होता क्या है वगैरह वगैरह, फिर फॉर्मूले भी लिखूंगा, लेकिन एक बात बस तुम स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखो कि बफर सॉल्यूशन में हमेशा दो कंपोनेंट्स होने चाहिए एट प्रेजेंट। ऐसे भी हम लोग पीएच जब निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि पास्ट में सॉल्यूशन मेरे पास क्या था उसका पीएच निकालने, नहीं, अभी जो मेरे पास है एट प्रेजेंट जो है सॉल्यूशन में क्या बन गया, मिक्सचर विक्सचर होके क्या बन गया, उसका पीएच कितना है वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, वही हमें निकालना होता है। तो हमें मतलब प्रेजेंट पे ध्यान देना है। तो एक तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम के जो पीएच निकालने वाले क्वेश्चन हैं वो तुमको एक लाइफ में एक मतलब थॉट दे रहे हैं कि ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, पास की जो है चिंता विंता या पास का सोचो वोचो नहीं, ऑलवेज यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। वही तुमको आयनिक इक्विलिब्रियम में अप्लाई करना है कि भाई ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंटली मेरे सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और उसके बेसिस पे जो मेरे फॉर्मूले हैं मैं उसको कैसे अप्लाई कर सकता हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। तो जो है प्रेजेंट बेसिस मतलब एक तुमको एक थॉट दे रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम पूरी तरह से कि प्रेजेंट में तुम्हें हमें जीना, हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए क्योंकि पास में जो हुआ उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता है। तो प्रेजेंट में जियो और प्रेजेंट में सॉल्यूशन में जो पड़ा हुआ है उसका भी पीएच निकालो। तो जैसा मैंने बोला इसमें बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं और आज हम लोग बफर सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बफर सॉल्यूशन भैया होता क्या है। बफर सॉल्यूशन जो है
एक ऐसा टाइप का सॉल्यूशन है जिसका पीएच जल्दी चेंज नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा भी एसिड बेस या पानी इसमें मिला देते हैं तो पीएच इतनी जल्दी चेंज नहीं करता। अगर मैं इंग्लिश में डेफिनेशन यहां पे लिखूं तो इट इज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट पीएच चेंज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और वाटर। अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट पीएच चेंज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और वाटर। वाटर तो देखो भैया बस डाइल्यूशन का काम कर रहा है तो उससे ऐसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसिड बेस जो है वो मिलाने पे भी जिसका पीएच जो वैल्यू है वो चेंज ना करे, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्यों चेंज नहीं करता है पीएच, उसको भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई ऐसा क्या है कि भाई इसमें मिला रहे तो पीएच चेंज नहीं कर रहा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि मैंने यहां पे जो लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस लिखा है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि भाई ये तो मतलब बफर सॉल्यूशन है, इसमें भर भर के बाल्टी भर के तुमने डाल दिया एसिड बेस, बोले पीएच चेंज नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर तुम ज्यादा क्वांटिटी में डाल दोगे तो तुम अगर न्यूट्रलाइज कर दोगे सॉल्यूशन को और उससे ज्यादा तुम दूसरा एसिड या बेस कुछ ऐसा डाल दोगे तो ऑब्वियसली पीएच चेंज कर जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखे कि जो बफर सॉल्यूशन होता है उसका पीएच चेंज नहीं करता है, रेजिस्ट करता है पीएच चेंज को, ये बात है। लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऑफ वाटर, है ना, बाल्टी भर के नहीं डालना है बिल्कुल, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऑफ वाटर। अब इसके मैं टाइप्स पे आता हूं, तो फर्स्ट जो टाइप है एसिडिक बफर। देखो अगर तुम एक टाइप सीख लिए तो बाकी जो है दूसरा बस उसी में एग्जाम्पल टाइप का चल जाएगा तुम्हारा, अगर तुमने एक का कंसेप्ट यहां पे सीख लिया तो इसलिए इसको ध्यान से सीख लो और दूसरे में तुम फिर रिलेट कर पाओगे एसिडिक बफर से, बेसिक बफर को भी रिलेट कर पाओगे। तो एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर में जैसे मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि बफर सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने का जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन में दो चीजें होनी चाहिए, टू कंपोनेंट्स। तो एसिडिक बफर जो है वो किससे बनता है, अगर आपके पास वीक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस अगर सॉल्यूशन में मौजूद है तो। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो कंजुगेट बेस है, इस कंजुगेट बेस का जो मोस्टली पार्ट होता है वो जनरली क्वेश्चन वगैरह में या सॉल्यूशन वगैरह में सॉल्ट से आ रहा होता है। इवन बहुत सी बुक में आप पढ़ोगे भी या कोचिंग की किताबों में आपके लिखा भी होगा कि एक वीक एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन मैं कंजुगेट बेस वाले पॉइंट को उठाता हूं। इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों सॉल्ट बोल के नहीं उठा रहा हूं, मैं क्यों कंजुगेट बेस बोल के उठा रहा हूं, आई विल टेल यू द रीजन, बट पहले कंसेप्ट को ग्रास्प करो, कंसेप्ट को सीखो। तो एक वीक एसिड होना चाहिए और उसका कंजुगेट बेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही इसका कॉमन एग्जाम्पल हमेशा किताबों में आप देखोगे ये लिखा रहेगा CH3COOH प्लस CH3COONA। अब ध्यान दो यहां पे मैंने सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का एक सॉल्यूशन की बात की है, ये एक सॉल्ट हमने लिया है, बट सॉल्ट से आ क्या रहा है, सॉल्ट से आ रहा है CH3CO नेगेटिव जो कि कंजुगेट बेस है इस वीक एसिड का। तो मेरा ये डेफिनेशन फुलफिल हो गया यहां पे कि एक वीक एसिड होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, वही कंजुगेट बेस होना चाहिए, तब जाके वो मेरे को एक एसिडिक बफर देगा। तो ये दो कंपोनेंट मेरे पास मौजूद है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इसका पीएच कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो देखो आपको ये इक्वेशन पता है कि CH3COOH जो है इट इज अ वीक एसिड, और अगर ये एक वीक एसिड है तो ये डिसोशिएट तो कर ही रहा होगा CH3CO- में प्लस H+ में, और ये जो कंपोनेंट है ये सॉल्ट है एंड सॉल्ट्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये तो पूरा ही टूट रहा होगा CH3CO-
इसको पूरा लिख देते हैं, CH3COONa से मुझे मिल रहा है CH3COO- plus Na plus, इस तरीके से। अच्छा, ये CH3CO- एसीटेट आयन जो है, क्योंकि ऊपर वाला जो एसिड है वो वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो एसीटेट आयन यहां भी है, एसीटेट आयन यहां भी, तो इस पे लग रहा होगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये पहली इक्वेशन पे क्या लगा रही है, ये पहली इक्वेशन पे लगा रही है कॉमन आयन इफेक्ट, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन जो है बैकवर्ड जा रहा होगा। तो इसका डिसोसिएशन उतना नहीं हो रहा होगा जितना होना चाहिए, डिसोसिएशन कम हो गया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में थोड़ी सी कमी आई होगी। तो इस पॉइंट से हम बोल क्या सकते हैं, इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि भाई जितना स्टार्टिंग में इसमें तुम लेके चले थे एसिटिक एसिड, इसके साथ होते हुए भी एसिटिक एसिड उतना ही ऑलमोस्ट रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने की, जो आपको पता है कि एसिड के लिए हम लोग के ए यूज करते हैं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि के ए इट इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस का कंसेंट्रेशन इंटू एच प्लस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सी एच थ्री सी ओ ओ एच का कंसेंट्रेशन। नाउ वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव जो यहां पे मैं लिखा हुआ हूं, इसका जो मेन सोर्स है, इसका जो मेन सोर्स है, इसका मेन सोर्स पहली इक्वेशन नहीं है, इसका मेन सोर्स ये है, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये पूरा ही टूट रहा होगा। सो दैट इज वाई द मेन सोर्स ऑफ सी एच थ्री सी ओ माइनस इज दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट। इसी वजह से बहुत सी बुक्स में कंजुगेट की जगह सॉल्ट का कंसेंट्रेशन दिया रहता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों कंजुगेट बोल रहा था, और ये भी आपको बताया कि सॉल्ट लिखा रहता है किताबों वगैरह में, तो उसका एक रीजन है कि इसका जो मेन सोर्स है, द मेजर सोर्स ऑफ CH3CO- इज नॉट द फर्स्ट इक्वेशन विच इज द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये नहीं है। इसका जो मेजर सोर्स है वो है CH3CONa से मिल रहा है एसिटेट आयन और Na+। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, तो इस वजह से हम इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं कि Ka इट इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं कंजुगेट बेस का कंसेंट्रेशन इंटू एच प्लस डिवाइडेड बाय, इसको मैं एसिड का कंसेंट्रेशन लिख देता हूं। ध्यान रहे जैसा मैंने बोला मैं कंजुगेट बेस लेके चल रहा हूं, बहुत सी बुक्स में आप सीबी की जगह सॉल्ट का कंसेंट्रेशन टाइप का लिखा देखोगे। अब वहां से हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि वहां पे H+ का एक्सप्रेशन आ गया है, और pH क्या होता है, pH होता है माइनस log of H+ एंड कंसेंट्रेशन, तो बस हम लोग वहां पे log यूज करके pH निकालने वाले हैं। लेट्स जस्ट सी, तो देखो बच्चों इस इक्वेशन से मैं H+ को लिखता हूं, तो H+ क्या लिखाएगा, H+ विल बी इक्वल टू Ka इनटू एसिड का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंजुगेट बेस का कंसेंट्रेशन। आई होप इट इज क्लियर, वहां से H+ को उठाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस। तो यहां से हम लोग अब यहां पे लॉग लॉगरिथम टर्म लगाने जा रहे हैं, मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग 10 बेस ऑफ एच प्लस इट इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस ऑफ के ए इंटू एसिड का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंजुगेट बेस का कंसेंट्रेशन। तो दिस इंप्लाइज माइनस लॉग ऑफ एच प्लस क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आपका बन जाएगा पीएच, तो पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस ऑफ के ए, और क्योंकि ये लॉग मल्टीप्लाई में है तो ये साथ ही में जाएगा, तो बन जाएगा माइनस लॉग 10 बेस ऑफ एसिड, और ये डेनोमिनेटर में है आगे माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस
log 10 base of conjugate base. So this implies PS it is equal to minus log of K, kya hota hai? PKA. PKA और उसको हम एक साथ कर सकते हैं प्लस log 10 base of conjugate base by acid. So this is formula for calculation of pH. pH calculation का formula है किसके लिए है? acidic buffer के लिए. This is for acidic buffer. इस equation को Henderson equation भी बोलते हैं. Henderson's formula. साइंटिस्ट के नाम पे है. तो आई होप आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आया होगा कि हमने कैसे डिराइव किया है. एक बार फिर से स्टेप्स देख लो. ये एक वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन लगातार चल रहा है. ये सॉल्ट है, ये तो पूरा टूट जाएगा. इसने इसको कॉमन एंड इफेक्ट प्रोवाइड किया होगा, इसकी रिएक्शन बैकवर्ड गई होगी. तो जितना इसका कंसेंट्रेशन था हमें कोई अल्फा अल्फा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्फा बहुत ही कम हो गया होगा. और भी तो इनिशियल में जितना इसका कंसेंट्रेशन था वही मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे जो है मान लिया कि एट प्रेजेंट भी ये उतना ही है जितना हम लोग लेके चले थे, और एसिड जो है कंसेंट्रेशन में लिख दिया हूँ. इसका जो मेजर सोर्स है वो सॉल्ट से आ रहा है, इसलिए बहुत सी बुक्स में सॉल्ट का कंसेंट्रेशन दिया रहता है, बट मैं सीबी यूज करके चल रहा हूँ, कंजुगेट बेस यूज करके चल रहा हूँ. और फिर हमने वहां से एच प्लस को निकाल दिया, और एच प्लस से हम लोग फिर पीएच पे आ गए और हेंडरसन फॉर्मूले पे हम लोग पहुंच गए. So this is how acidic buffer formula comes. अब इसको use कैसे करना है और कब use करना है वो भी थोड़ा सा ध्यान दो. और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि मैं यहाँ पे salt क्यों नहीं ले रहा हूँ, उसका भी ये भी reason तुम्हें बता देता हूँ. फिर देखो, नाउ आई विल टेल यू द रीजन कि मैं यहाँ पे सॉल्ट क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे कंजुगेट बेस ही क्यों लेके चल रहा हूं, जबकि तुम्हारे बुक्स में इवन शायद एनसीईआरटी में भी, एक बार चेक कर लेना ध्यान से, कि एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं पे वहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन दे दिया है, हालांकि कंजुगेट बेस भी लिखा हुआ है. बट जनरली कोचिंग्स वगैरह की जो बुक्स होती है उसमें सॉल्ट ही लिखा रहता है, सब मतलब इधर उधर से आया रहता है तो उसमें लिखा रहता है सॉल्ट. लेकिन कंजुगेट बेस होना चाहिए, इसका रीजन सुनो क्यों. देखो, अगर मेरे पास ये था CH3COOH प्लस CH3COONA, तो इस केस में CH3COH प्लस CH3COONA, इस केस में तो जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वही मेरे कंजुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन होगा. इस केस में कोई दिक्कत नहीं, नो डिफिकल्टी है. लेकिन मान लो ऐसा होता कि CH3COOH प्लस CH3COO होल ट्वाइस Mg, मान लो मैग्नीशियम एसिटेट से हम लोग ला रहे होते कंजुगेट उसका जो प्रेजेंट होता सॉल्यूशन, तो इस केस में जो कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन हो जाएगा बेटा. वो ट्वाइस ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका ये पूरे सॉल्ट का अगर आप एक मोल उठाओगे तो आपको एसिटेट आयन दो मोल मिल जाएंगे. तो अगर आप एक मोल उठाओगे तो आपको एसिटेट आयन यहां पे दो मोल मिल जाएंगे, विच मीन्स के यहाँ पे कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन सॉल्ट के कंसंट्रेशन का सीधे दुगना है, डबल है. तो यहाँ गलती हो जाएगी. आई होप इट इज क्लियर नाउ कि मैं यहाँ पे क्यों कंजुगेट बेस ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में कंजुगेट बेस का ही कंसंट्रेशन है. वो वहां पे हम लोग CH3CO माइनस लेके चल रहे थे, वहां पे हम लोग CH3CO NA का कंसंट्रेशन ही लिख रहे थे. तो द कंसंट्रेशन इज ऑफ कंजुगेट, द कंसंट्रेशन इज नॉट एक्चुअली ऑफ सॉल्ट. वो हो जाता है कभी कभी कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन मैच कर जाता है कंजुगेट से, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता. तो इसीलिए ऑलवेज मेक इट क्लियर कि अगर आपके बुक्स में या कोचिंग की किताबों में, जो भी आप जिस भी कोचिंग में हैं उसमें अगर आप रेफर कर रहे हैं, तो
यहाँ पे अगर सॉल्ट लिखा है तो आप स्टार करके उसको काट के सीबीई कर लो, कंजुगेट बेस ही कर लो, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को यूज करने का जो एक जहां पे अटक जाते हैं कभी के बच्चे या गलत कर देते हैं वो पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन है, सीधे सॉल्ट का कंसंट्रेशन मत लेना। अगर सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो टूट के उतना ही मोल देगा जितना कंजुगेट का है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सॉल्ट जैसे यहाँ पे अगर टूटेगा एक मोल सॉल्ट टूटेगा तो दो मोल ये दे देगा, सिमिलरली किसी में तीन मोल भी हो सकता है, किसी में चार मोल भी हो सकता है, कौन जाने क्या। तो इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे यू हैव टू यूज कंजुगेट बेस एंड नॉट द सॉल्ट। अब सिमिलर ग्राउंड पे हम बेसिक बफर भी जो है वो करते हैं, बट उसके पहले मैं तुम्हें एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। ये तो हुआ डेरिवेशन पीएच कि हम लोग पीएच कैसे निकालेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा डोंट वरी, बट मैं तुमको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं कि बफर जो ये सॉल्यूशन है उसका पीएच चेंज क्यों नहीं करता है। मैंने जैसे मैंने बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में ही कि रेजिस्ट करता है पीएच चेंज, तो ऐसा क्यों है कि भाई पीएच चेंज नहीं होता, तो उसका भी रीजन जो है थोड़ा ध्यान से देखो। तो जैसे मैंने बोला दो कंपोनेंट्स होते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH प्लस CH3COONA, या सीधे मैं कंजुगेट ले लेता हूं एसीटेट आयन। अभी जो दोनों कंपोनेंट्स हैं किस तरह से एसिड बेस जो है उसको रोक रहा है पीएच को चेंज करने से, उस पे आते हैं। सबसे पहला केस इफ एसिड इज एडेड, एसिड इज एडेड का मतलब क्या है कि भाई हम लोग सॉल्यूशन में H प्लस एड कर रहे हैं, दिस इज द बेसिक मीनिंग, एसिड एड कर रहे हैं मतलब H प्लस को एड कर रहे हैं। तो H प्लस क्या करता है, H प्लस जो है H प्लस कंबाइंस विद दिस कंपोनेंट द बेसिक कंपोनेंट CH3COO माइनस के साथ कंबाइन हो जाता है और ये क्या बना देता है CH3COOH। देखो इस कंसेप्ट को समझने के बहुत ढेर तरीके हैं लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट वे है ना वो मैं तुमको यहां पे बताने जा रहा हूं। तो एसिड डालोगे तो बेसिक कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सिमिलरली जब बेस डालूंगा तो एसिडिक कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट बना दिया तो मतलब जो भी तुमने भेजा वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। तो H प्लस जो है इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया, देख सकते हो दिस इज अ वीक एसिड और ये कंप्लीटली टूटेगा नहीं, वीक है, वीक इसलिए है क्योंकि कंप्लीटली नहीं टूटता है। तो वीक एसिड बन गया, तो जिस फॉर्मेट में तुमने H प्लस को भेजा अब उससे टूट के भी वो उतना H प्लस दोबारा नहीं आ पाएगा, मतलब तुमने जो H प्लस भेजा वो अंदर जाके क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, इट मींस H प्लस गॉट कंज्यूम। तो मतलब तुमने एसिड भेजा लेकिन वो कंपोनेंट रिएक्ट करके किसी और फॉर्मेट में चेंज हो गया, और जिस फॉर्मेट में चेंज हो गया वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्योंकि वो टूट नहीं सकता तो जितना तुमने भेजा उतना H प्लस नहीं दिखेगा सॉल्यूशन में, और जितना तुमने भेजा उतना नहीं दिख रहा तो पीएच चेंज कैसे होगा, इसलिए पीएच चेंज नहीं होता है। होता भी है तो मतलब एकदम पता नहीं चलता है वैसा होता है, मतलब देयर इज वेरी नेग्लिजिबल चेंज, मैं नो चेंज तो नहीं बोलूंगा लेकिन देयर इज वेरी नेग्लिजिबल चेंज जिसको हम लोग नो करके फिर हटा देते हैं। सिमिलरली इफ बेस इज एडेड, मतलब OH- एडेड अगर किया जाए, इफ बेस इज एडेड, तो अगर बेस एड किया जाएगा तो मतलब हम लोग OH- माइनस एड कर रहे, तो OH- जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक कंपोनेंट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, विच मीन्स
CH3COOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये बना देगा CH3COO- + H2O। Now you see, OH minus plus CH3COH gives CH3CO minus plus H2O. ये जो H2O है, it is also a weak electrolyte. H2O is also a weak electrolyte. मतलब जो तुमने OH negative भेजा, वो किसमें convert हो गया? वो पानी में convert हो गया. OH negative has been converted to water, and water is a weak electrolyte. Water is a very weak electrolyte. हम लोग properties of water में पढ़ चुके हैं. तो water is a very weak electrolyte. Water a weak electrolyte है. It means कि जो तुमने OH minus भेजा वो भी क्या हो गया, वो भी consumed हो गया. तो जब consumed हो गया भैया तो pH change ज़्यादा नहीं होगा, negligible change आएगा, and that means कि pH change resist हो रहा है. This is the mechanism, है ना? या mechanism करके लिख सकते हो, mechanism of buffer solution. This is a mechanism. कि जब एसिड डाल रहे हैं तब भी वो एक ऐसे फॉर्म में चेंज हो रहा है जो कि फर्दर आगे टूटने वाला नहीं है ज्यादा, तो इसलिए जो भेजा वो कंज्यूम हो गया. बेस डाल रहे हैं तो वो भी एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो टूटेगा नहीं, और नहीं टूटेगा इट मीन्स कि भाई वो कंज्यूम हो गया तो पीएच चेंज नहीं होगा. देयर विल बी नो पीएच चेंज. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन. बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप इट इज क्लियर नाउ. एकदम क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि क्यों ऐसा होता है कि हम लोग एसिड बेस डालते हैं तब भी पीएच चेंज नहीं होता है. दैट इज द रीजन. तो ये एसिडिक बफर के ऊपर ये कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया. सेम थिंग हम लोग बेसिक बफर के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है. फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज करना है वो तो समझ में आ गया. तो अब इसलिए आपको समझ में आया कि बफर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट क्यों होते हैं, है ना? बफर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट इसलिए होते हैं कि एक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा. दो कंपोनेंट ही है. जैसे एक वीक एसिड है उसका कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट तो बेस हुआ ना. तो अगर आप एसिड बेस भेजोगे तो एक पार्ट इससे रिएक्ट करेगा, दूसरा पार्ट उससे रिएक्ट करेगा, और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा. तो इसीलिए बफर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखें. नाउ लेट्स कम टू द बेसिक बफर. बेसिक बफर पे आओ. सेकेंड टाइप, सही से एकदम नोट्स बना लो जिससे कि बाद में रिवाइज करोगे तो फायदा मिलेगा. सेकेंड टाइप पे आ रहा हूं, बेसिक बफर. अब जो बेसिक बफर है एकदम जैसे मैंने बोला सेम ग्राउंड है, सब कुछ कंसेप्ट सब सेम है. तो यहां पे हम लोग को क्या चाहिए? दो कंपोनेंट तो चाहिए ही. तो एक होना चाहिए वीक बेस, और उसका होना चाहिए कंजुगेट एसिड. अगेन मैं कंजुगेट एसिड लिख रहा हूं, मैं सॉल्ट नहीं लिखता हूं, लेकिन उसका जो पोर्शन आता है वो आता कहां से? आता सॉल्ट से. आता सॉल्ट से है, लेकिन सॉल्ट का कंसेंट्रेशन वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्ट वो वाला बेस जो कंजुगेट बेस है या कंजुगेट एसिड है वो कितना रिलीज कर रहा है. तो इस बात का ध्यान रखें. तो वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड इस तरह से होना चाहिए. जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसका लेते हैं, NH4OH प्लस कंजुगेट एसिड NH4 प्लस कहीं से आ जाए, जैसे NH4Cl ले लो, NH4Cl यहां से आपको NH4 प्लस मिल सकता है. तो स्टार्ट करते हैं इसकी भी रिएक्शन. तो ये तो पूरा टूट नहीं सकता बिकॉज इट इज अ वीक बेस. तो NH4OH से रिवर्सिबल साइन के साथ लिखना, NH4 प्लस OH माइनस. बट NH4Cl ये पूरा टूट सकता है, ये दे देगा NH4 प्लस Cl माइनस. अगेन देख सकते हो कि इस पे क्या लग रहा होगा, पहली क्वेश्चन पे लग रहा होगा कॉमन आयन इफेक्ट. तो कॉमन आयन इफेक्ट इसको जैसे ये देगा रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो, और बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी तो अगेन इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा सा कम हो जाएगा,
और जब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, मतलब जितना टूटना चाहिए था उतना नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो जो अभी प्रेजेंट एट प्रेजेंट जो सॉल्यूशन में है वही ऑलमोस्ट जो पहले लेके चले थे उसी के बराबर होगा, ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो अज्यूम कर सकते हैं, तो मैं सीधे अब क्योंकि ये वीक बेस है तो यहां पे मैं KB डिफाइन करूंगा, तो KB विल बी इक्वल टू NH4 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OS माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4 OS का कंसंट्रेशन। अभी जो NH4 प्लस है ये क्या है, NH4 प्लस जो है ये आपका कंजुगेट एसिड है, तो मैं इसको CA लिख रहा हूं, और ये है OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये मेरा वीक बेस का कंसंट्रेशन हो गया लाइक दिस, और यहां से फिर मैं OH नेगेटिव को डिराइव कर लेता हूं, तो OH नेगेटिव विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कि KB इंटू वीक बेस डिवाइडेड बाय CA, और फिर यहां से अगेन मैं यहां पे माइनस लॉग लगाने जा रहा हूं, लॉगरिथम लगाने जा रहा हूं, एंड यू विल सी कि जब आप लगाओगे तो ये POH इट इज इक्वल टू PKB प्लस log 10 बेस ऑफ कंजुगेट एसिड बाय वीक बेस का कंसंट्रेशन, बेस का कंसंट्रेशन इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करना है फॉर बेसिक बफर, ये फॉर्मूला यूज करना फॉर बेसिक बफर, पहले वाला था pH इज इक्वल टू PKa प्लस log कंजुगेट बेस बाय एसिड, यहां पे है POH इज इक्वल टू PKb प्लस log ऑफ कंजुगेट एसिड बाय वीक बेस, इसको भी हेंडरसन फॉर्मूला ही बोलते हैं। बफर वाले जो फॉर्मूले हैं उनको हेंडरसन फॉर्मूला में हम लोग काउंट करते हैं, और क्योंकि ये POH देगा तो अगर आपको pH चाहिए तो क्या करोगे, pH प्लस POH, आपको पता है कि ये 14 होता है, तो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, इस तरह से हम लोग pH निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, जो कि एक बेसिक बफर है ना, विच इज अ बेसिक बफर। अब इसके भी मैकेनिज्म को दिखाते हैं कि यहां पे किस तरह से मैनेज होता है, बेसिक बफर में किस तरह से जो है मैनेज होता है, रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज को कैसे एक बेसिक बफर, उसके भी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। आई होप इतना लिख लिया होगा तुम लोगों ने, लिखो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं।